आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू का मामला अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले पर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ घटनाएं अमेरिका भारत रिश्तों को बेपटरी नहीं कर सकती हैं। अगर हमारे देश का कोई नागरिक दूसरे देश में अच्छा या बुरा काम करता है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमें इस बारे में बताया गया तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं। हम कानून का पालन करते हैं। दरअसल अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया था कि न्यूयॉर्क में पन्नू पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी। इसमें भारत का हाथ था। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि हमला किस दिन होने वाला था। जून 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ही अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के सामने ये मुद्दा उठाया था। इस बात का खुलासा 22 नवंबर 2023 को पब्लिश हुई फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ था। मोदी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये तत्व डराने धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। भारत विदेशों में स्थित कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों के बारे में चिंतित है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते काफी मजबूत है। सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग हमारी साझेदारी का एक मुख्य आधार रहा है। कुछ घटनाओं को दोनों देश के डिप्लोमेटिक रिलेशन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। 16 दिसंबर 2023 को 5 भारतवंशी अमेरिकी सांसद एमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार ने कहा था कि पन्नू की हत्या की साजिश मामले में जांच नहीं हुई तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं और ये बेहद गंभीर मामला है।